assalamu alaikum students hope you all are good open your english grammar book and open your page number 40 uh, today we are going to learn about verbs okay uh, so let's begin with the reading uh, the verb द वर्ब्स एस आर एंड एम शो प्रेजेंटेंस ठीक है ये जो एस एंड एम है ये क्या शो करते हैं प्रेजेंटेंस ठीक है द वर्ब्स वॉज एंड वर्ड शो पास टेंस और वॉज और वर्ड जो होते हैं वो किसके लिए पास्ट के पास टेंस के लिए यूज होते हैं कि मैंने ऐसा किया था ठीक है इस तरह वर्ब्स आर एंड वर्ड आर यूज वेन वी रेफर टू मोर दैन वन नाउन और प्रो नाउन वर्ब्स जो वर्ड एंड आर हैं वो तब यूज़ होंगे व्हेन वी रेफर टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ठीक है सो लेट्स बिगिन मे द रीडिंग रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस नंबर वन एलिस इज़ अ डॉक्टर तो इसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ है एज नंबर टू एलिस एंड स्टेफी आर सिस्टर्स नंबर थ्री आई एम एलेस एंड स्टेफी इज नेबर Number four, Alice was working till late evening. Number five, Alice and Steffi were going to the market. So ye is the verbs use? Mein, hai? Okay. Complete the sentences below with any of the uh, suitable verbs you have just learned. Write them in your notebook. How verbs khud se dalne, hai? Number one admin is a boy. एक बंदे की बात हो रही है तो एक इज आएगा नंबर टू ही एंड मोंटी आर गुड फ्रेंड्स अब दो की बात हो रही है तो आर आ जाएगा नंबर थ्री एडमन एंड मोंटी वर सीन एट द बेकर्स शॉप येस्टरडे ठीक है येस्टरडे की बात हो रही है तो वर आएगा पास टेंस की बात हो रही है ठीक है नंबर फोर वेन आई वॉज स्मॉल आई यूज टू प्ले विद डॉल्स ठीक है नंबर फाइव आई एम अ बेग गर्ल नाउ तो ये हमने खुद से वर्ब्स यूज किए हैं ठीक है अब आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ठीक है अब ये लास्ट वीक आर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक अब हमने करेक्ट uh, ऑप्शन को टिक करना है ठीक है वी वर ऑल एक्साइटेड अबाउट इट ऑल ऑफ अस डिसाइडेड टू ब्रिंग स्पेशल टिफिन वेन वी रीच स्कूल वी वर टोल टू मेक लाइन्स एंड गेट इन टू इन टू बस नंबर नाइन एज एज सोन एज वी स्टार्टेड इट बिगेन टू रेन I I was sitting near the window seat. I got wet. I was so cold and wet that I developed fever. ठीक है तो past की बात हो रही है हर जगह तो was was were were ठीक है. Now come to page number forty one. Fill the gaps with verbs. हमने इसमें verbs को In the following sentences, the verbs is, am, are, was, and were, were are also are used as helping verbs. helping verbs. Number one, David is hiding behind the tree. Number two, parents are watching a match. Number three, I am taking my dog for a walk. Number four Peter and Priscilla were decorating their Christmas tree till late late evening. Hai? Number five, Goven was playing the piano when her friends came. Tikka OK. एक्सरसाइज सी देखें रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज टेकिंग एन आइडिया ऑफ टाइम फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस यूजिंग द एक्शन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट हमने इनको कंप्लीट करना है ठीक है वन सेंटेंस हमारे लिए हुआ हुआ है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे पैटर इज अ नोटी बॉय ही इज क्लाइंबिंग आर ट्री क्लाइंब था तो क्या हो जाएगा क्लाइंबिंग हो जाएगा Patter is a naughty boy, he's climbing a tree. Number one, Mr. Grant is a very good gardener. He is cutting. Cut hai to cutting the head. Number two, it was Gray's birthday party. All his friends were dancing. Dancer to dancing o jayega. Okay. Number three, these are Tim, the shepherd's sheep. दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ग्रेज है तो ग्रेजिंग हो जाएगा नंबर फोर बेन वॉज नॉट इन द क्लास ही एंड हेज फ्रेंड्स डैश वॉर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड ठीक है प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा ठीक है नाउ कम टू पेज नंबर फोर्टी टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन ब्लो राइट द मिनयू नोट बुक द फॉलविंग थिंग्स आर हैपनिंग नाउ अभी आपको खुद से यह आपका होमवर्क है जैसे ये द फर्स्ट है ना द सन डैश ब्राइटली इन द स्काई द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई ठीक है इस तरह ये आप लोग ये आप खुद से करके करेंगे ठीक है ये लास्ट वाला देखते हैं द फॉलोइंग थिंग्स हैपेंड येस्टरडे अब येस्टरडे की बात होगी ठीक है तो जैसे द नंबर वन पे देखें द कैट डैश ऑन द कारपेट अब स्लीप है अब कल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा स्लेप्ट ठीक है स्लेप्ट एस एल ई पी टी ठीक है स्लैप्ड नंबर टू मदर डैश द क्लोथ्स आयरन आयरन आई आर ओ एन ई डी माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉचड टेलीविजन ठीक है वॉच है तो वॉचड हो जाएगा ठीक है ए टी सी एच ई डी नंबर फोर आई डिड माई होमवर्क ठीक है ये पास्ट टेंस हो गया ठीक है